मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे दलों में दल बदल का खेल शुरू हो गया है में के विधायक मिश्रा और उनकी चुनाव के लिए सीट से तैयार जुटे थे वही कांग्रेस की तरफ से उन्हें टिकट की हरी झंडी मिल भी गई थी इसके बावजूद मिश्रा ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली टिकट कन्फर्म होने के बावजूद मिश्रा के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मिश्रा ने बीजेपी का दमन क्यों थामा जिसका खुलासा एक चिट्ठी से हो गया से चुनाव लड़ना चाहते थे कमलनाथ को लिखी इस चिट्ठी में उन्होंने रीवा जिले में कांग्रेस के प्रभारी और पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं मिश्रा ने शर्मा पर आरोप लगाए हैं कि वो एक बीजेपी विधायक के रिश्तेदार है और कांग्रेस से ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट दिलाना चाहते हैं जिससे बीजेपी को जीतने में आसानी हो बता दें कि उनकी पत्नी नीलम शर्मा भी सेमरिया सीट से विधायक रह चुकी है